ओम साई राम दोस्तों, मेरा नाम है राज कटारिया। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल DPH बिल्ड वेल में। दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों की डिमांड पे हम लेके आ गए हैं 50 स्क्वायर यार्ड के एरिया में डबल स्टोरी बना हुआ इंडिपेंडेंट हाउस। बिकॉज आज के टाइम पे जैसे हम क्लाइंट फेस कर रहे हैं और सबकी डिमांड यही रहती है कि अगर हम जो भी प्राइस के बजट में हम फ्लैट परचेस करना चाह रहे हैं, लाइक 3 BHK परचेस करना चाह रहे हैं और उसकी कॉस्टिंग मोर देन 50 लाख आती है, तो उसके बदले अगर हमें इंडिपेंडेंट हाउस मिलने का ऑप्शन मिले तो वो भी हमारे लिए प्रेफर होगा। और जो इंडिपेंडेंट हाउस लेना चाहते हैं उनके लिए तो ये बहुत ही हसीन और बहुत ही खूबसूरत मौका है। दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको थोड़ा सा एक ओवरऑल कैलकुलेशन देना चाहता हूँ। अभी जहाँ पे हम लोकेशन में बिल्डिंग अवेलेबल है वो है पी एक्सटेंशन मोहन गार्डन। यहाँ से आपकी जो कनेक्टिविटी रहेगी नवादा मेट्रो स्टेशन की रहेगी और मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पे नवादा मेट्रो स्टेशन आपका पड़ता है। यहाँ पे सारी कनेक्टिविटी है, जैसे गैस कनेक्शन हो गया, सीवरेज कनेक्शन, ग्राउंड वाटर, MCD वाटर, ये सराउंडिंग में अच्छी मार्केट जहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल सकें वो सब यहाँ पे पूरी कनेक्टिविटी अवेलेबल है। तो दोस्तों, अभी पहले मैं आपको थोड़ा सा एक रफली ब्रीफली कैलकुलेशन देता हूँ। यहाँ पे अगर हम लैंड कॉस्ट की बात करें तो एज ऑफ नाउ जो चल रहा है ऑलमोस्ट 75,000 से 80,000 पर स्क्वायर यार्ड का रेट चल रहा है। अगर हम मोटा मोटा देखें कि हमने ये एरिया जो परचेज किया हुआ है 70,000 पर स्क्वायर यार्ड के हिसाब से अगर परचेस किया हुआ है तो मेरी इस लैंड की, खाली सिर्फ लैंड की कॉस्ट जो आती है वो 35 लाख की आती है और इसके ऊपर हमने कंस्ट्रक्शन की है। तो पहले ही प्राइस रिवील कर रहा हूँ, 55 लाख रुपीज़ में मेरी ये डबल स्टोरी इंडिपेंडेंट हाउस आप लोगों के लिए अवेलेबल है। आपको कुछ नहीं करना, मेरे दिए गए नंबर पर कॉल करनी है, अपॉइंटमेंट बुक करके विजिट करके आप अपना, अगर आपको ये पसंद आता है तो इसको परचेस भी कर सकते हैं। और बेस्ट पार्ट है, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया हुआ, बहुत ही खूबसूरत न्यूली कंस्ट्रक्शन के साथ आप लोगों के लिए लेके आ गए हैं हम डबल स्टोरी बना हुआ इंडिपेंडेंट हाउस। अभी हम अवेलेबल हैं टेरिस पे हैं, टेरिस में मैं आपको थोड़ी सी डिटेल दूंगा, उसके बाद हम फ्रंट एलिवेशन से कवर करते हुए ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर कवर करेंगे। तो आपको सबसे पहले कुछ नहीं करना, हमारा YouTube चैनल जो है इसको आपने सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है और कमेंट करके अपना व्यू देना है कि आपको ये इंडिपेंडेंट हाउस कैसा। आप सबसे पहले आप फ्लोरिंग देखेंगे जो कि टेरेस पे है, हमने किसी तरह का सीमेंटेड वर्क नहीं किया, कम्प्लीटली पूरी टाइलिंग लगाई है जिसमें आप देख रहे हैं बहुत अच्छा गेटअप आ रहा है, बहुत अच्छी लुक आ रही है। और जो हमने इसके जो कॉर्नर्स हैं, पूरी बाउंड्री जो की है वॉल की, वो कम्प्लीटली मार्बल से करी हुई है सो दैट आपके इस रूफ़ पे किसी तरह की गंदगी ना रहे, आपको बहुत अच्छी फीलिंग आने वाली है अपने इस इंडिपेंडेंट हाउस की। मोमटी का एरिया देखेंगे कम्प्लीटली हमने रखा है सो दैट अभी हम आपको एक वाटर टैंक इंस्टॉल करके दे रहे हैं, आप फ्यूचर में चाहें तो इसको इनक्रीज़ कर सकते हैं। और अभी हम जो कंस्ट्रक्ट करके दे रहे हैं अपर ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर, आप चाहें तो इसके ऊपर 2 फ्लोर और भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं एज़ पर योर रिक्वायरमेंट। दोस्तों, ऑलमोस्ट कम्प्लीटली हमने ये स्ट्रीट पूरी हमने ही अपनी कंस्ट्रक्ट करके बनाई है जो कि हम आपको फ्रंट एलिवेशन में दिखाएंगे। तो जितनी भी आप मेरा ये ग्रिलिंग वर्क देखेंगे कम्प्लीटली स्टेनलेस स्टील का कम्प्लीटली ग्रिलिंग वर्क है हमारा। और वो व्यू देखिए, पूरा ग्रीनरी व्यू है, बहुत ही पीसफुल एटमोसफेयर है सराउंडिंग में, बहुत ही शांत एरिया है ये जहाँ पे आपको किसी तरह की कोई परेशानी आने वाली नहीं है। अब हम यहाँ से होते हुए चलते हैं फ्रंट एलिवेशन में और फिर वहाँ से हम आपका कवर करते हैं कंप्लीट डिटेल के साथ। तो चलते हैं हम फ्रंट एलिवेशन पे।
तो दोस्तों इस समय हम अपने ग्राउंड फ्लोर पे हैं, जहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कितना खूबसूरत बहुत ही प्रीमियम क्लास की टाइल के साथ हमने फ्रंट एलिवेशन प्रिपेयर किया है आप लोगों के लिए। बिकॉज़ ये न्यूली कंस्ट्रक्शन के साथ है तो इसमें बहुत ही अलग तरह की फीलिंग आने वाली है आप लोगों को कि नए घर के अंदर हम जा रहे हैं। ऐसा नहीं, जनरली क्या होता है कि जब भी कोई इंडिपेंडेंट हाउस परचेस करते हैं वो रीसेल में परचेस करते हैं, फिर उसको अपने हिसाब से प्रिपेयर करते हैं, बट ये ऑलरेडी आपके हिसाब से प्रिपेयर किया हुआ कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट हाउस है। मैं आपको स्ट्रीट व्यू दिखा रहा हूँ। स्ट्रीट व्यू में आप देखेंगे ऑलमोस्ट 20 फीट का स्ट्रीट का साइज़ है और ये पूरी स्ट्रीट हमने ही मतलब इंडिपेंडेंट हाउस से कम्प्लीट डेवलप करी है। इसमें किसी तरह की क्वालिटी से, सीमेंट से रिलेटेड हो गया, आयरन से रिलेटेड हो गया, कोई कॉम्प्रोमाइजिंग नहीं की है। कम्प्लीटली आयरन के ऑलमोस्ट 9 फीट की हाइट के हमने यहाँ पे डोर बनाए हैं सो दैट आपकी गाड़ी यहाँ पे इजीली अंदर अपने पार्किंग में प्लेस हो सके। अब मैं आपको ये पार्ट कवर कर रहा हूँ, ये जितना भी है आप ये देखेंगे कोटा स्टोन, बहुत ही हमने यूनिक डिज़ाइन में हमने यहाँ पे आप लोगों के लिए कोटा स्टोन लगाया है, जिसमें आप यहाँ पे इजीली अपनी 4-व्हीलर पार्क कर सकते हैं, साथ ही साथ 2-व्हीलर भी पार्क कर सकते हैं। उसके बाद जो स्टेयर्स के नीचे एरिया आने वाला है वो कम्प्लीटली हम पूरा वुडन वर्क कम्प्लीट करा के देंगे आपको। ये हो गया आपका MCD का मोटर सेक्शन और यहाँ पे हम आपके लिए वुडन वर्क करवा के देंगे जो आपका स्टोर रूम रहेगा। जैसे कि आपने मेरी पुरानी वीडियो में भी देखा होगा जिसमें हमने पूरा ही स्टेयर्स के नीचे स्टोर रूम प्रिपेयर किया था। हाइट्स देखेंगे ऑलमोस्ट 5 फीट की हाइट तक हमने बहुत ही डिज़ाइनर पैटर्न में, बहुत ही यूनिक पैटर्न में हमने यहाँ पे आप लोगों के लिए टाइल्स लगाई हैं ताकि किसी तरह की गंदगी ना रहे, किसी तरह की आपको इनकन्वीनियंस फेस ना करनी पड़े। रूफ़ पे देखेंगे तो रूफ़ पे भी हमने आपको बहुत ही प्रीमियम क्लास का यहाँ पे आपको फोर सीलिंग वर्क करवा के दिया है, साथ ही साथ कॉप लाइट भी लगाई है ताकि बहुत ही अच्छी लुक आ सके आपके इस पार्किंग एरिया की। यहाँ पे आप लोगों के लिए स्पेस है जहाँ आप फैन भी लगा सकते हैं या फिर आप अपना झूमर लगा सकते हैं और छोटा मोटा गेट टुगेदर आप अपने पार्किंग एरिया में भी इजीली कर सकते हैं। तो यहाँ से हम आगे की ओर चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि हम आपका, क्योंकि अभी थोड़ा सा डेवलपिंग स्टेज पे है, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन अभी पेंडिंग है, तो मैं जो चीज़ अवेलेबल है वो मैं आपको इमीडिएटली दिखाने आया हूँ सो दैट आपको अभी अंडर कंस्ट्रक्शन रेट पे ही मैं इन्वेंट्री अवेलेबल दे सकूँ। ये हमने आप लोगों के लिए एक 1 BHK का सेट पूरा हमने ग्राउंड फ्लोर पे प्रिपेयर किया है। ये आ गया आपका पूरा सेपरेट किचन जिसमें हम पूरी टाइलिंग के साथ साथ आपको यहाँ पे टैप कनेक्शन, अच्छे मार्बल के साथ आपका वुडन वर्क के साथ पूरा कंप्लीट किचन प्रिपेयर किया है। सामने की ओर देखेंगे यहाँ पे हम आपको चिमनी लगा के देंगे जिसका आउटडोर उस साइड रहेगा, पाइप के थ्रू सारा एग्जॉस्ट सक होगा ऊपर की तरफ। जितने भी हमने यहाँ पे आपको चौखट्स दिए हैं बना के वो सारी आयरन की चौखट्स हैं, ऑलमोस्ट 8 फीट के हाइट के सारे डोर्स रहेंगे। किचन की तरफ से अंदर आते हुए आप देखेंगे तो बहुत ही स्पेशियस ऑलमोस्ट 12x12 का हमारा ये एक बेडरूम है। बेडरूम में बहुत ही अच्छा स्पेस है, फोर सीलिंग का वर्क भी हमने बहुत ही खूबसूरत किया हुआ है जो कि आप देख सकते हैं, जिसमें हम आपको कॉप लाइट्स और बहुत ही यूनिक पैटर्न के डिज़ाइनर लाइट्स लगा के दे रहे हैं और प्रीमियम क्लास का आप लोगों के लिए यहाँ पे पेंट भी रहेगा। ये हमने आप लोगों के लिए बहुत ही क्लासी अलमीरा बनाई है जो आपको ग्राउंड फ्लोर पर भी बेडरूम में मिलेगी, साथ ही साथ फर्स्ट फ्लोर पर भी बेडरूम में रहेगी। फ्लोरिंग पे देखेंगे डिजिटल विट्रीफाइड टाइल्स यूज़ करी हैं जो कि आप अमूमन सभी फ्लैट्स में देखते हैं और ऊपर की तरफ ये आपका एरिया रहेगा शाफ्ट एरिया जहाँ पे आप अपना सारा एग्जॉस्ट फैन लगा सकते हैं और डोर के ऊपर की तरफ जो स्पेस रहेगा वो आप यहाँ पे चाहें तो विंडो AC अपना प्लेस कर सकते हैं। बहुत ही क्लासी वर्क हम आपको यहाँ पे करके देने वाले हैं बिकॉज आपने मेरी ऑलरेडी हमारी इंडिपेंडेंट हाउस की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी देखी भी हुई है। अब यहाँ से कवर करते हुए मैं आपको दिखा रहा हूँ वॉशरूम सेक्शन। वॉशरूम में भी देखेंगे हमने किसी तरह की क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है, पूरा वॉल टू वॉल टाइल्स का ऑप्शन दिया है, शाफ्ट एरिया भी है, आप एग्जॉस्ट फैन भी लगा सकते हैं, फोर सीलिंग वर्क भी इवन हमने वॉशरूम में भी आपको कंप्लीट करके दिया है और जितने भी टैप्स होंगे अच्छी क्वालिटी के
बहुत ही बढ़िया कंपनी के टैप्स होंगे, अच्छी गारंटी और अच्छी वारंटी के साथ। और जितनी भी ग्रिलिंग है स्टेनलेस स्टील की आपकी कम्प्लीटली ग्रिलिंग है, किसी तरह का जंग लगने का कोई स्कोप नहीं बनता यहाँ पे आप लोगों का। बहुत ही 304 का इसका जो मटेरियल है बहुत ही क्वालिटी का हमने यहाँ पे इसमें यूज़ किया है। तो कम्प्लीटली पूरी मार्बल के साथ हमने स्टेयरिंग अपनी स्टेयर्स प्रिपेयर किए हैं। यहाँ पे आ जाता है आपका MC बॉक्स, जिसमें आप अपनी कभी भी आउटसाइड जाते हैं तो अपना यहीं से सारी इलेक्ट्रिसिटी स्विच आउट करके, स्विच ऑफ करके, डाउन करके जा सकते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे स्टेयर्स पे हमने यहाँ पे कम्प्लीटली इमरजेंसी लाइट्स का ऑप्शन दिया है, सो दैट अगर रात बेरात कभी भी आप स्टेयर्स यूज़ करते हैं आपको किसी तरह की दुर्घटना ना फेस करनी पड़े। इसीलिए यहाँ पे हमने पूरी स्टेयर्स पे लाइट्स यूज़ करी हैं। तो यहाँ से होते हुए अब हम दिखा रहे हैं आपको बालकनी सेक्शन। बालकनी देखेंगे, मैं चाहूँगा आप आगे से पूरा कंप्लीट दिखाइए। बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस के साथ ये बालकनी एरिया है, ऑलमोस्ट जो वाइड है 3 फीट पूरी वाइडर है ये बालकनी। और लॉन्ग डिस्टेंस की बात करूँगा तो ऑलमोस्ट 15 फीट लंबी मेरी ये बालकनी का स्पेस आ जाता है, जिसमें हमने बालकनी में भी आपको स्टेनलेस स्टील का काम किया हुआ है। तो ये हमारा कंप्लीट बालकनी सेक्शन है, जिसमें आपको मैं दिखाऊंगा कि स्ट्रीट साइज़ कैसा है। और सामने के ये भी आप इंडिपेंडेंट फ्लैट भी, अपना इंडिपेंडेंट हाउसेस भी देख सकते हैं, जो कि हमने सेल्फ डेवलप करके अपने पार्टीज़ को हैंड ओवर किए हैं। और जितना भी स्टेनलेस स्टील का वर्क है बहुत ही अच्छी क्वालिटी का हमने यहाँ पे आप लोगों के लिए स्टेनलेस स्टील का भी काम किया हुआ है। तो दोस्तों अभी हम बालकनी सेक्शन में थे, अब हम पैसेज एरिया से होते हुए फर्स्ट फ्लोर के फर्स्ट बेडरूम को आपको दिखाऊंगा कि कितना खूबसूरत आप लोगों के लिए प्रिपेयर किया है। सारा जो फ्लोरिंग पे काम है वो कम्प्लीटली डिजिटल विट्रीफाइड टाइल्स यूज़ करी हैं, जो कि फ्लैट्स में यूज़ होती हैं। बहुत ही स्पेशियस ये आपका बेडरूम होने वाला है फ्रेंड्स। एशियन का रॉयल पेंट होगा इसमें। ऊपर की तरफ देखेंगे तो हमने यहाँ पे खूबसूरत फोर सीलिंग वर्क आपका इस बेडरूम में भी किया हुआ है। इसमें वुडन का हम आपको टीवी पैनल लगा के देंगे, LED टीवी पैनल होगा इस तरफ की ओर। और सामने की तरफ देखेंगे कम्प्लीटली वेंटिलेशन है, जहाँ पे आप ऊपर की तरफ आप अपना चाहें तो विंडो AC भी लगा सकते हैं। डोर्स की क्वालिटी देखेंगे, अच्छे क्वालिटी के बोर्ड्स में हमने ये डोर आपके पूरे प्रिपेयर किए हैं फ्रेंड्स। अभी मैं आपको ये अंडर कंस्ट्रक्शन में दिखा रहा हूँ, सो दैट मैं अंडर कंस्ट्रक्शन के ही प्राइस आपसे चार्ज कर सकूँ। एक बार ये डेवलप हो गया आफ्टर 2 मंथ या आफ्टर 1 मंथ तो हम इसमें फिर आपको प्राइस में थोड़ा सा इंक्रीमेंट हो सकने के चांसेस पूरे हैं। तो ये हमारा था कम्प्लीटली फर्स्ट बेडरूम, जिसका स्पेस बहुत ही अल्टीमेट होने वाला है, नॉर्मल फ्लैट से बहुत ही अच्छा स्पेस आने वाला है इसका। इससे बेस्ट पार्ट ये है कि बालकनी इस बेडरूम से अटैच्ड है, जिसमें आपको पूरा वेंटिलेशन का स्कोप रहेगा। तो अब यहीं से कवर करता हुआ मैं आपको आगे की ओर लेके चलता हूँ। तो फ्रेंड्स इस समय हम अवेलेबल हैं फर्स्ट फ्लोर के किचन सेक्शन में। ऑलरेडी आपको मैंने फर्स्ट फ्लोर में बालकनी सेक्शन दिखाया है, फर्स्ट बेडरूम दिखाया है, अभी किचन एरिया में है। तो ऑलमोस्ट किचन की अगर मैं वाइडेस्ट की बात करूँ 3 फीट चौड़ा ये एरिया रहेगा, जिसमें आप 2 पर्सन आराम से काम कर सकते हैं वॉशिंग सेक्शन में, साथ ही साथ कुकिंग सेक्शन में। यहाँ पे हम आपको चिमनी इंस्टॉल करके देंगे, जिसका आउटडोर उस साइड रहेगा पाइप की तरफ। यहाँ पे हमने फोकस लाइट लगाई हुई है, सो दैट रात के टाइम अगर किचन में वर्क करते हैं तो आपको जो भी सामान निकालना है या कुकिंग में किसी तरह की प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। मैं चाहूँगा आप आगे से थोड़ा सा एक बार एक्सप्लेन करिए, दिखाइए कि कितनी खूबसूरत हमने टाइल्स यूज़ करी हैं। और आपका जितना भी किचन का सामान है आप बहुत ही इजीली यहाँ पे अपना सारा सामान रख सकते हैं। जितना भी वॉशिंग सेक्शन रहेगा, जितने भी टैप्स रहेंगे बहुत ही प्रीमियम क्लास के हमारे टैप्स होने वाले हैं यहाँ पे। सारा आप अपना गीज़र RO कम्प्लीटली यहाँ पे आप अपना इजीली प्लेस कर सकते हैं, आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। जो भी सनमाइका है ग्रे एंड वाइट कलर के सनमाइके में हमने पूरा कम्प्लीटली वर्क किया है, जिसकी लुक बहुत ही ओसम आने वाली है। बेस्ट पार्ट ये है किचन में भी हमने पूरा कम्प्लीटली फोर सीलिंग का काम यहाँ पे आप लोगों के लिए करके दिया है, ताकि आपको किसी तरह की लुक में, किसी तरह की क्वालिटी में किसी तरह की इनकन्वीनियंस फेस ना करनी पड़े फ्रेंड्स।
दोस्तों बहुत ही खूबसूरत ये काम होने वाला है आप लोगों के लिए। बहुत ही प्यारा वर्क किया है, ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन हमने कर रखी है और क्वालिटी का किसी तरह से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। तो ये किचन सेक्शन से होते हुए अब हम चलते हैं सेकंड बेडरूम में। तो दोस्तों आ गए हैं हम अपना सेकंड बेडरूम में। स्पेस की बात करूँगा, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही इनफ स्पेस है जो कि बेडरूम में ऑलरेडी होना चाहिए। यहाँ की तरफ आप अपना इजीली 6x6 का कम्प्लीटली फुल साइज का बेड प्लेस कर सकते हैं, आपके लेफ्ट में, आपके राइट में और आपके फ्रंट में, तीनों तरफ आपका बहुत ही स्पेस होने वाला है। और आपका ये एरिया आ जाएगा वुडन अलमीरा का, जो कि हम आपको ग्राउंड फ्लोर पे भी और फर्स्ट फ्लोर दोनों में हम आपको वुडन अलमीरे का काम करवा के दे रहे हैं। अलमीरा का काम की जो वर्क है, वुडन वर्क है, बहुत ही सुपर वुडन वर्क है और बहुत ही स्पेस है। यानी कि जितना भी आपके लगेज होंगे, जितने भी क्लॉथ्स होंगे, आप यहाँ पे इजीली रख सकते हैं। ऊपर की ओर आपका शाफ्ट एरिया आ जाएगा, यानी कि आपको यहाँ पे किसी तरह की सफोगेशन की प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। आप अपना एग्जॉस्ट फैन लगा सकते हैं। एज वेल एज रूफ पे देखेंगे तो हमने यहाँ पे आप लोगों के लिए फोर सीलिंग वर्क किया हुआ है, बिकॉज आजकल के काफ़ी ट्रेंड में है। और ये इंडिपेंडेंट हाउस है, कम्प्लीटली पिलर्स के सपोर्ट के साथ ये हमने कंस्ट्रक्ट किया है। एवर लास्टिंग इसकी लाइफ होने वाली है। बहुत ही खूबसूरत ये आप लोगों के लिए इंडिपेंडेंट हाउस होने वाला है, बिकॉज न्यूली कंस्ट्रक्शन के साथ है। फ्रेंड्स, मैं दोबारा और बार बार रिपीट कर रहा हूँ, न्यूली कंस्ट्रक्शन इस रेट पे आपको न्यूली कंस्ट्रक्शन में आज के टाइम पे नहीं मिलने वाला, ढूंढने से भी नहीं मिलने वाला है इंडिपेंडेंट हाउस डबल स्टोरी कंस्ट्रक्शन के साथ। तो अभी हम सेकेंड बेडरूम में थे, अब मैं आपको यहाँ का वॉशरूम सेक्शन कंप्लीट कर रहा हूँ, जिसमें आप देखेंगे फ्लोरिंग पे हमने पूरी टाइल्स दी हैं और वॉल टू वॉल पूरा कंप्लीट बहुत ही डिज़ाइनर पैटर्न में नया टाइल्स हमने यहाँ पे यूज़ करी हैं, जिसमें सीलन गंदगी आपको कोई प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। वॉशरूम में भी हमने फॉर सीलिंग वर्क किया है, बहुत ही खूबसूरत काम होने वाला है इसका। जितने भी सीट्स होंगी डाइवेटर सिस्टम के साथ, एग्जॉस्ट के लिए आपको पूरा यहाँ पे विंडो रहेगी, एग्जॉस्ट फैन भी लगा सकते हैं। जितने भी टैप्स होंगे, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के टैप्स हम यहाँ पे आपको दोनों वॉशरूम में लगा के देंगे। तो यहाँ पे अब ये एरिया है, पीछे की तरफ देखेंगे एमसी बॉक्स आपका फर्स्ट फ्लोर का भी सेपरेट है, सो दैट आप कभी चाहें नीचे शिफ्ट रहन, मतलब आप पूरी फैमिली के साथ नीचे हैं तो ऊपर पूरा कनेक्शन ऑफ कर सकते हैं, या अगर आप जा रहे हैं फैमिली के साथ बाहर तो दोनों फ्लोरों के सेपरेट हैं, जिसको आप पूरा स्विच ऑफ करके आप जा सकते हैं। पूरा फोर सीलिंग वर्क हमने पैसेज एरिया में भी दिया है, आप देखेंगे बहुत ही, मतलब काम से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। कोई वुड की इसमें यहाँ पे ग्रिलिंग नहीं है, जितना भी हमने ये चौखटें बनाई हैं सारी की सारी आयरन की चौखट हैं। बहुत ही सुपर इंडिपेंडेंट हाउस होने वाला है फ्रेंड। यहाँ से होते हुए अब हम रूफ़ पे चलते हैं, टेरिस पे चलते हैं, और नीचे की तरफ भी देखा और ऊपर भी पूरा हमने स्टेनलेस स्टील की ग्रिलिंग करी है। यहाँ पे इमरजेंसीज की लाइट्स का ऑप्शन दिया है, सो दैट रात भर रात आपको कोई दिक्कत परेशानी ना फेस करनी पड़े। कम्प्लीटली मार्बल के साथ स्टेयर्स पूरी बनाई हैं और रूफ़ पे भी हमने कोई सीमेंटेड वर्क नहीं किया, कम्प्लीटली यहाँ पे स्टोन लगाया हुआ है, यहाँ पे कोई सीमेंटेड वर्क नहीं है, अच्छी क्वालिटी का है। आप देख सकते हैं सारा क्या गेटअप कितना खूबसूरत आने वाला है आपका। दो फ्लोर और ऊपर कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं आप। फ्रेंड्स, मैं आपको एक बार फिर से एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, आज के टाइम पे अगर हम एक लैंड भी परचेस करते हैं दिल्ली जैसे शहर में, तो मिनिमम से मिनिमम उसकी कॉस्ट जो आती है 30 से 35 लाख की आती है, और आज के टाइम पे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इतनी इंक्रीज़ हो गई है, अप टू 30 से 40% इंक्रीज़ हो गई है, जिसमें अगर आप 50 स्क्वायर यार्ड का ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर प्रिपेयर करते हैं तो नाना करते हुए भी जिसकी कॉस्ट आती है तकरीबन 25 से 30 लाख रुपए बहुत आराम से आती है, जिस तरह का क्वालिटी ऑफ वर्क हमने यहाँ पे किया हुआ है। तो दोस्तों 55 लाख रुपए के अंदर इससे बेस्ट डील आपको मार्केट में कहीं नहीं मिलेगी। आपको कुछ नहीं करना, हमारे दिए गए नंबर पे कॉल करना है, विज़िट के लिए बुक करनी है अपॉइंटमेंट और विज़िट के लिए आना है। सिंगल ऑप्शन बचा है मेरे पास, लेकिन हो सकता है ये आपका ड्रीम होम होने वाला हो, तो आपको कुछ नहीं करना, विज़िट करना है, और विज़िट करने के बाद आपने
अपने इस इंडिपेंडेंट हाउस को बुक करना है फ्रेंड्स। ये आपको ऑप्शन और ये प्राइस में आपको गारंटी के साथ दे रहा हूँ, कहीं नहीं मिलने वाला है न्यूली कंस्ट्रक्शन के साथ। दो फ्लोर आप अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग और भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं बहुत ही इजीली। तो आज के लिए मैं अलविदा लेता हूँ।